AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये आपकी जेब पर असर डाल सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का बकाया चुकाने का दबाव है और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनियों के प्रभुत्व और डेटा और कॉल्स के दाम बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो ATM यानी आज तक मनी के इस एपिसोड की शुरुआत इसी खबर के विश्लेषण से। बीती 14 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने AGR मामले में सुनवाई की तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को घेरते हुए कहा था कि अगर एक डेस्क अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की ध्रष्टता करता है तो उच्चतम न्यायालय को बंद कर दीजिए। दरअसल सरकार और टेलीकॉम कंपनियां एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करती हैं और AGR लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के एवज में दिया गया कमाई का हिस्सा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई भी जुड़ गई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपए के कुल बकाया 17 मार्च से पहले चुकाने हैं। इसमें से एयरटेल ने 10,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया ने 2,500 करोड़ और टाटा ग्रुप ने 2,197 करोड़ रुपए सरकार को चुका दिए हैं। AGR बकाए में वोडाफोन आइडिया का हिस्सा सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारतीय एयरटेल और अन्य कंपनियां। पहले से घाटा झेल रही वोडाफोन आइडिया पर लगभग 1.2 ट्रिलियन का कर्ज है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त होने की संभावना उठने के बाद तो कंपनी के शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगने पहुंचे कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने तो यह तक कह दिया कि बकाया ना चुका पाने की वजह से यदि कंपनी भारत में अपना कारोबार बंद करती है तो 10,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अगर वोडाफोन बंद हुई तो देश में रिलायंस जियो और एयरटेल के प्रभुत्व की संभावना बन सकती है, क्योंकि चौथे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL MTNL की हालत भी खस्ता ही है। वहीं कंपनियां अपना प्रति यूजर रेवेन्यू यानी ARPU बढ़ाने के लिए पहले से ही कॉल्स और डेटा के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, जिसकी संभावना अब और प्रबल दिख रही है। आइए अपने एक्सपर्ट से डिटेल में समझते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब, टेलीकॉम कंपनियों और सरकार पर कितना गहरा असर होगा। दूरसंचार कंपनियों को AGR भुगतान में कोई रियायत न मिलने के बाद अब उनके रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से हिल चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में दो चीजें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर वोडाफोन और आइडिया अपनी देनदारी समय पर नहीं चुका पाया तो वोडाफोन आइडिया के लिए इस बाजार में खड़े रहना तत्काल मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लंबे समय में भी इतनी देनदारी चुकाने के बाद वोडाफोन आइडिया के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रह पाना बाजार में मुश्किल है। दूसरी तरफ एयरटेल के लिए ये देनदारी इतनी बड़ी है, हालांकि एयरटेल ने अभी हाल में IPO से कुछ संसाधन जुटा लिए हैं, इसलिए वह अन्य कंपनियों की तुलना में, वोडाफोन की तुलना में थोड़ी बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन अब बाजार उस तरफ बढ़ रहा है जिसकी बात हम ATM में लगातार करते रहे, यानी भारतीय बाजार में केवल दो कंपनियां सक्रिय रूप से रह पाएंगी और इसलिए एक डुओपोली होगी जो प्रतिस्पर्धा पर और आने वाले समय में दूरसंचार सेवाओं की कीमतें कम करने की योजनाओं पर भारी पड़ेगी। पिछले हफ्ते हमने आपको चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के कारोबार पर असर से आगाह कराया था। अब इसका असर भारत समेत अन्य देशों में भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से कारोबारी अब आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो इस मामले में क्या कर सकती है सरकार, समझते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में फैले कोरोना वायरस के चलते भारत में आयात ठप है। फार्मा इलेक्ट्रॉनिक समेत जिन उद्योगों के लिए चीन का सस्ता आयात कच्चा यह तैयार माल है उनमें दिक्कतें शुरू हो गई हैं। स्थिति में जल्द सुधार नहीं आया तो आपूर्ति के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए जल्द कदम उठाने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार के पास विकल्प क्या होंगे। आखिर कैसे सरकार घरेलू उद्योगों की मदद कर सकती है, क्योंकि घरेलू बाजार के लिए संभावनाएं तलाशने की बात तो अमेरिका और चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध के समय से चल रही है। चलिए समझते हैं अपने एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी से कि क्या कदम उठा सकती है सरकार। कारोबार पर कोरोना वायरस के असर से सरकार कंपनियों या कारोबारियों को एक सीमा तक ही बचा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के आउटब्रेक को फोर्स मेजोर डिक्लेयर करेगी, यानी फोर्स मेजोर यानी प्राकृतिक आपदा, जिसके तहत दो कंपनियों के बीच होने वाले समझौते और देनदारियों को फिलहाल के लिए माफ किया जाता है। और ये व्यवस्था लागू होने से जो भारत के आयातक या निर्यातक हैं जिन्होंने चीन से सामान आयात या निर्यात करने के समझौते किए हैं उनमें आने वाले दिनों में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। तात्कालिक तौर पर शायद सरकार शुल्क में कोई रियायत दे दे या उन कंपनियों को भुगतान में कुछ देरी कर दे जो कोरोना वायरस से होने वाले असर से प्रभावित है, खासतौर पर चीन में कारोबार बंद होने से। इससे अधिक तात्कालिक तौर पर सरकार कोई बड़ा दखल नहीं दे सकती।
एक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि कोरोना वायरस के असर की वजह से दुनिया भर की GDP ग्रोथ में 0.1 से 0.2% तक की कमी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। तो आइए समझते हैं कितना गहरा हो सकता है कोरोना वायरस का भारत की GDP ग्रोथ पर असर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी। इस गिरावट की एक बड़ी वजह चीन में फैले जानलेवा कोरोना वायरस को बताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ 6.6% से घटकर 5.4% और अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए विकास दर 6.7% से घटकर 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। एजेंसी का मानना है कि भारत में रिकवरी की रफ्तार भी सुस्त रह सकती है। हालांकि हाल में आए आंकड़ों पर भरोसा दिखाते हुए मूडीज ने अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का भरोसा जताया है। समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आखिर क्यों रेटिंग एजेंसी रिकवरी की रफ्तार के सुस्त रहने का अनुमान लगा रही है। कोरोना वायरस के अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर के कारण मंदी का असर और गहरा होने की संभावना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आने वाले 6 महीनों तक कोरोना वायरस का असर रहता है यानी कारोबार और ट्रेड पर मंदी रहती है तो भारत के लिए उभरने की राह और लंबी हो जाएगी। ATM सोशल में इस हफ्ते मेरे सहयोगी शिवन एक ऐसा जुगाड़ लाए हैं जिसके जरिए आप व्हाट्सएप में किसी का नंबर सेव किए बिना ही उसे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? देखिए आज का जुगाड़ ऐसा है कि आप किसी के भी नंबर को बिना सेव किए उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज पाओगे। अब इसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पास आओ। अब व्हाट्सएप पे मेरे ना ये एक लिंक है, इस लिंक को आपने प्रेस नहीं करना है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। अब कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को ले जाओ अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे उस लिंक को आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सबसे पीछे इस URL के आपको उनको आप बैकस्पेस करके यहाँ पे डाल दो नंबर जिसको आपने कांटेक्ट करना है, जिसको मैसेज भेजना है जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी नहीं है। बट सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा कंट्री कोड, तो यहाँ पे हमने डाला कंट्री कोड और उसके बाद डाला नंबर जो मेरे फ़ोन में अभी फ़िलहाल सेव नहीं है और इस पर अब मैंने गो करना है। अब ये अपने आप आपसे पूछेगा ओपन दिस पेज इन व्हाट्सएप, अपने आप ये व्हाट्सएप के ऐप को ट्रैक करेगा। ओपन पे जाओ एंड दिस विल ट्रेस दैट नंबर ऑन व्हाट्सएप। ऐसे ही किसी का भी अगर नंबर आपके फ़ोन में नहीं है उसको आप इस लिंक के आगे डाल दो और जो स्टार्स हैं उनको आप डिलीट करके उस पर वो नंबर पेस्ट कर दो बट विद द कंट्री कोड एंड ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप पे चला जाएगा। एक बार आपके मैसेजेस चले गए अपने आप व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है ऐड कॉन्टैक्ट करने का। ATM के ऑटो सेगमेंट में इस हफ्ते देखिए 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल कार। टेक में जानिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी मदद से आप फ्लाइट में भी बिना दिक्कत के वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल में देखिए मोटोरोला का वो फोन जिसकी स्क्रीन फोल्ड हो जाती है। कोई बम का असर नहीं होता, ना ही किसी केमिकल हमले का इस गाड़ी पर असर होता है, इसको कोई पंचर नहीं कर सकता और भी कई सारी ऐसी ढेरों खूबियां हैं जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस गाड़ी की खूबियों की मैं शुरुआत कहां से करूं। चलिए सबसे पहले इसके नाम से ही इसकी शुरुआत करते हैं। द बीस्ट का असली नाम है लेमोजीन, जिसको कैडिलियक ने बनाया है। गाड़ी के डोर्स आर्मर प्लेटेड हैं और 8 इंचेस मोटे हैं। एक गाड़ी के दरवाजे का वजन है लगभग 150 किलो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉइंग 757 जेट और इस लेमोजीन कार के जो दरवाजे हैं उनका जो वजन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जितनी भी गाड़ी की विंडोज हैं वो सारी बिल्कुल सील्ड है, उनको खोला नहीं जा सकता। केवल जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है उसको ही खोला जा सकता है और वो भी केवल 3 इंचेस तक। अब जब सारे दरवाजे गाड़ी के बंद हो जाते हैं तो गाड़ी हो जाती है 100% तक सील और एयर टाइट। अब इसके बाद चाहे कोई केमिकल वेपन अटैक हो, चाहे कोई इसमें गोलियां मारे या फिर कोई डायरेक्ट टक्कर इस गाड़ी में क्यों ना मारते, द बीस्ट पर कोई असर नहीं हो सकता। गाड़ी के आगे की तरफ फ्रंट ग्रिल पर और बोनेट पर लगे हैं नाइट विजन कैमरे, साथ ही साथ टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर्स। अंदर गाड़ी 2 कंपार्टमेंट्स में बटी है, पहला है ड्राइवर कंपार्टमेंट और दूसरा है रेयर कंपार्टमेंट। दोनों कंपार्टमेंट के बीच एक ग्लास लगा है जिसको केवल और केवल ट्रंप ही हटा सकते हैं। गाड़ी के पीछे ट्रंप के अलावा 4 लोग और बैठ सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए हिडन शॉटगन्स और टीयर गैस कैनन्स भी गाड़ी में मौजूद हैं जिससे कि जवाबी हमला किया जा सके। मेडिकल इमरजेंसी का भी गाड़ी में ख्याल रखा गया है और ज़रूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इमरजेंसी ब्लड बैग्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और एक पैनिक बटन का भी इंतजाम है। 30 कंपनियों के एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप द सीमलेस एयर अलायंस ने दावा किया है कि उनकी नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप फ्लाइट में भी आसानी से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा ये होगा कि यूजर बार बार लॉगिन करने और पैसे चुकाने जैसे किसी भी झंझट के बिना अपने फोन में वाईफाई का यूज कर पाएगा।
और उसका वाईफाई कनेक्शन अपने आप टर्मिनल से जेट ब्रिज और फिर आइल और उसके बाद उसकी सीट तक अपने आप स्विच करेगा। उठाते हैं और आपकी तरफ जरा इसको थोड़ा घुमाते हैं और ये है इस तरीके से फ़ोन जो है वो इसमें बॉक्स में आता है। इसके फ़ोन के स्क्रीन पर एक ये गार्ड टाइप लगा हुआ है, इसको मैं अगर हटाता हूँ इस पर लिखा है कि डू नॉट अप्लाई अ स्क्रीन प्रोटेक्टर एज इट विल डैमेज द डिस्प्ले, यानी कि इसकी डिस्प्ले पर आप कोई स्क्रीन गार्ड या फिर कोई प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर अगर आप इस फ़ोन को फोल्ड करेंगे तो शायद वो ब्रेक हो जाएगा तो डैमेज कर सकता है आपके फ़ोन को। ये भी सही है। और फ़ोन निकाल के हमने यहाँ इसको फोल्ड करके रख देते हैं ये आपके सामने। यहाँ पर बुकलेट्स हैं और इधर फ़ोन का चार्जर है। ये एक्सटर्नल ईयरबड्स कवर दिए गए हैं दो। इसके अलावा ये हेडफोन्स हैं। इसके अलावा क्या बचता है, और ये एक जैक है जिसके थ्रू अगर आप कोई 3.5 mm जैक वाला हेडफोन अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो तब आपके ये काम आने वाला है। इस तरीके से ये मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया है और ये जो फ़ोन का जो कवर है, ये जो फ़ोन का बॉक्स है, ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है। रॉकेट बॉक्स इसको बोला जा रहा है। और अगर आप फ़ोन को ऐसे इसमें रख देते हैं तो आपके फ़ोन के स्टैंड का भी ये काम करता है। तो ये थी मोटोरोला रेजर की अनबॉक्सिंग, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। आइए फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट देखते हैं वो खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अनुमान लगाया है कि इस साल चीनी का निर्यात बढ़ेगा। इस्मा ने ये भी बताया कि देश भर की चीनी मिलों ने चालू सीजन 2019-20 के शुरुआती 4.5 महीने में 169.85 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 49.81 लाख टन कम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने कर्नाटक के मंड्या जिले में दुर्लभ धातु लिथियम का भंडार ढूंढ निकाला है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली इस धातु की लगभग 14 टन मात्रा बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर जमीन में दबी हुई है। कोरोना वायरस के कहर के चलते कुछ दक्षिण पूर्वी देशों के लिए आखिरी मिनट पर भारत से उड़ानें सस्ती हो गई हैं। उड़ानों पर असर का आलम यह है कि इस हफ्ते मुंबई से बैंकॉक की उड़ान का दाम सिर्फ 12,300 रुपये था। HR कंसल्टेंसी फर्म एओन के सालाना वेतन वृद्धि सर्वे के अनुसार भारतीय कंपनियों में इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.1% की बढ़ोतरी हो सकती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे अधिक औसत वेतन वृद्धि होगी। मोदी कैबिनेट ने देश में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 4,558 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि स्कीम से 50,000 गांवों के 95 लाख किसानों को फायदा होगा। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है महंगाई मीटर। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में आपके किचन से जुड़े सामानों के दाम कितना बदले। आजकल इनकम टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का सीजन चल रहा है। कुछ कंपनियों में ये प्रक्रिया खत्म हो गई है तो कुछ कंपनियों में ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एटीएम सूझबूझ के लिए हमने बात की जाने माने सीए गोपाल केडिया से और ये जानने की कोशिश की कि नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम में किसके लिए क्या है सही। देखिए, एक नई रेजीम लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर आई, इसमें एक लिमिटेशन ये दे दी गई कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस इनकम शो करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, वो एक बार जो ऑप्शंस एक्सेप्ट कर लेंगे उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो ऑप्शंस उनके लिए हमेशा लिए चलेगा। भारत में हमारे पास टोटल टैक्स पेयर 6 करोड़ टैक्स पेयर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इस 6 करोड़ टैक्स पेयर में से हमारे पास 75% टैक्स पेयर्स, मतलब 4,50,00,000 टैक्स पेयर्स वैसे हैं जो एक पैसा भी एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, एक पैसा भी टैक्स नहीं देते। उनकी इनकम 2,50,000 से 5,00,000 तक की इनकम होती है, पूरा 12,500 का वो टैक्स की छूट लेते हैं और किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देते। हमारे पास जो 1 करोड़ इनकम से ज्यादा के लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं वो केवल 1 लाख वैसे लोग हैं, और 50 लाख से 1 करोड़ तक की जो रिटर्न फाइल करते हैं वो केवल हमारे पास 2 लाख लोग हैं। तो मेजर चंक हमारा आ जाता है जो 5 लाख से 10 लाख तक की जो रिटर्न फाइल करते हैं वो हमारे पास 1 करोड़ लोग हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें
तो अगर हम देखें कि पहले इस स्लैब में आपको 20% टैक्स रेट देना पड़ता था 5 लाख से 10 लाख तक, उस 30% को अब कम करके अब 10% और 15% में कर दिया गया है। तो ये एक मेजर टैक्स रिलीफ मिलती है। और आज के दिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर देखें, आज के दिन इंजीनियर्स जो निकल रहे हैं, एमबीएस निकल रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी को समझना जरूरी है। उनकी मेंटेलिटी यह है कि उनके हाथ में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सकें। अब लिक्विडिटी के लिए पहले क्या होता था कि टैक्स सेविंग कंपलसरी हो जाता था टैक्स बचाने के लिए, तो लिक्विडिटी अफेक्टेड होती थी। और फिर कई बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेज इसमें, क्योंकि मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि सरकार को तो इसमें कोई फायदा नहीं होता था। इसमें एसएससी पैसा ले जाता था, इनकम टैक्स ऑफिसर जो करप्ट थे वो पैसा ले जाता था, और कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इसमें रोल होता था, इसमें सहभागिता उनकी रहती थी, सरकार के खजाने में एक पैसा भी नहीं जाता था। यह बहुत बुद्धिमानी के साथ डिसीजन लिया गया कि इनकम टैक्स पे ही जो है उनको भी फायदा मिले और सरकार के एक्सचेकर में भी पैसा आए। आज तक मनी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज तक से।